हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमोन टारगेट। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता था कि टेलीग्राम ग्रुप में नोटिस भेज दिया गया था कि आज सुबह सुबह क्लास 10 का जो एग्ज़ाम होने वाला है साइंस का सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन, उसका एक पार्ट टू यानी पहला पेपर कल हम शाम को कराए थे, आज एक और पेपर साइंस का करवा रहे हैं। तो जो लड़के पहली बार चैनल पर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। जैसा कि आपको पता है पहले से ही कि अलग अलग जगहों का पेपर भी अब अलग अलग आ रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था, इसलिए जहां तक संभव हो रहा है हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को करवा रहे हैं। साथ ही हमारे इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त में होती है, ये बात ऑलरेडी आपको पता होगा। और टेलीग्राम ग्रुप को जो लड़के ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज़रूर से कर लेंगे। ओके, तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और इसका अगर PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्वि फोकस लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। मतलब कोई ऐसा इंसान है जिसको अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों लगा हो, ठीक, तो दोनों किसको लगेगा, जिसे जरा दृष्टि दोष यानी ऑप्शन नंबर सी है उसे, ठीक है, दूरदृष्टि दोष वालों को नज़दीक का नहीं दिखता है और नज़दीक वालों को दूर का नहीं दिखता है। तो जिनको दूर का नहीं दिखता है उन्हें अवतल लेंस लगाते हैं, ठीक है, अवतल लेंस, और जिन्हें नज़दीक का नहीं दिखता है उसे उत्तल लेंस लगाते हैं, और जिनको दोनों का दिक्कत होता है, ठीक है, उन्हें बाईफोकल लेंस बोलते हैं। जरा दृष्टि दोष ये रोग है। आइए क्वेश्चन नंबर टू, थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपका एग्ज़ाम थोड़ी देर में होने वाला है, मुझे पूरा पता है। तो विद्युत विभवांतर का SI मात्रक होता है वोल्ट, ठीक, उतना डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि मैंने जो वादा किया था कि मैं 6 बजे क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, तो 6 बजे आप लोगों के सामने क्लास मौजूद है। ओके, लघु पतन के समय परिपथ में, ठीक, परिपथ यानी सर्किट में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस वक्त उस जो विद्युत धारा का मान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसे होते हैं, तो उसके अंदर सभी जगह समान होते हैं, ठीक, ध्यान पे बस क्वेश्चन को करते जाइए, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ये दृष्टि पटल और इसको रेटिना लिखा हुआ भी आपको आ सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे खुद से रेटिना भी हिंदी में लिख दिया है। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। अभी हम शुरू में ही बताएं कि निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखता है, ठीक है, तो इसे किस लेंस के माध्यम से हम लोग सही करते हैं, तो अवतल लेंस, इसका साइन माइनस में होता है और उत्तल लेंस का पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है। 7 नंबर क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम मतलब कम से कम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है और अधिकतम अनंत होता है। आइए 8 नंबर क्वेश्चन, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए V = IR फॉर्मूला होता है, तो अगर हम I बराबर केवल देखें तो V/R तो दिख नहीं रहा है, लेकिन R को अगर हम सेम यहीं पर रहने दें तो V/I, तो V/I ऑप्शन नंबर C दिख रहा है, ये सूत्र है, ठीक है, V = IR, डायरेक्ट भी लिखा हुआ आ सकता है। आइए, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब के प्रतिरोध की धारा कितनी होगी, तो 0.4 एम्पियर होगा, सूत्र है P = VI, ठीक, तो I निकालना है, करंट निकालना है, तो V/P यहाँ पे हम निकाले हैं, टेलीग्राम में इसका लिंक PDF भी भेज देंगे, 0.4 इसका आएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा मिटा देते हैं हम, 10 नंबर क्वेश्चन है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे होती है, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एमीटर से नापते हैं। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है, ठीक, एकदम SI मात्रक जितना भी है, और विशेषकर विद्युत चैप्टर वाले का याद रखना, इससे क्वेश्चन सेकेंड टर्म हो या सेंटअप एग्जाम हो या कोई भी हो, और अभी तक अगर लाइक नहीं किए हो तो बहुत गलत कर रहे हो, ठीक, और सेंटअप एग्जाम का भी पेपर हम देंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी मैथ का, साइंस का, सामाजिक विज्ञान का, हिंदी का, इंग्लिश का, सबका कराते हैं, साथ ही महा एपिसोड परीक्षा के समय मिलाएंगे 3-3 घंटे का। विभव का SI मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। आइए 14 नंबर, जूल पर कूलम किसके बराबर होता है, तो वोल्ट के बराबर होता है।
बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो बैटरी में दिष्ट धारा प्रवाहित होती है, यानी डायरेक्ट करंट। ओके, 1 किलो घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर सी। देख लो क्वेश्चन आराम से, एक एक समझते रहना, और इसको एक बार देखने के बाद दो बार देख लेना, ठीक, फास्ट स्पीड करके, वो याद हो जाएगा क्वेश्चन ही। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो डायनेमो यानी जनित्र। निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? तो ये देखो थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होगा। आपको पता है कि 48 में से कितना करना है, 40 ही ना करना है, तो एक दो क्वेश्चन अगर छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सिल्वर नाइट्रेट का रंग कैसा होता है? तो सफ़ेद रंग का होता है, याद रखना, कलर पूछता है। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है किसका? NaCO3 एवं टर्टरिक अम्ल का। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा, पारा, तांबा और सोना। तो सोना को मुक्त अवस्था में हम लोग पाते हैं। कौन सी धातु, सॉरी, अधातु कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? अधातु पूछा है तो ब्रोमीन, अधातु पूछे तो मरकरी यानी पारा। ओके, 22 नंबर क्वेश्चन, कौन विद्युत का सर्वोच्च सुचालक है यानी अच्छा कंडक्टर है? तो Ag यानी सिल्वर, Fe यानी आयरन, Cu से कॉपर, Al से एल्युमिनियम। आइए अगला क्वेश्चन, कौन उपधातु है? तो Sb। लोहे का परमाणु संख्या 26, देख लो एकदम इजी इजी क्वेश्चन है। वैद्युत संयोजन यौगिक जल में प्रायः होते हैं, तो क्या होते हैं? विलेय होते हैं यानी घुल जाते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, एकदम एक एक लाइन वाला ऑब्जेक्टिव है ये सब, ये सब हम करवा रहे हैं, ठीक, अम्ल क्षार और लवण वाले चैप्टर में हम करवाए हैं। ग्लूकोज का सूत्र कल जो क्लास लिए थे शाम में, उसमें हम बताए थे C6H12O6, देखो सेकंड पेपर में वही पूछा है। C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी। इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होगा? सूत्र आपको कम से कम 2 से 4 सूत्र आपको पूछेगा। सूत्र है C2H5OH इथाइल अल्कोहल का। CHO अभिक्रिया मूलक किसका है, मतलब CHO से किस चीज़ को हम लोग दर्शाते हैं? तो एल्डिहाइड को दर्शाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, किसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 है? तो ये अल्काइन का है। और CnH2n+2 31 नंबर में क्वेश्चन है, वहीं वाला देखिए अल्किन का है। और अल्कीन अगर आ जाए तो CnH2n होता है किसका? अल्कीन का, याद रखिएगा। तीनों में से एक तो आपको 100% देखने को मिलेगा ही। 32 नंबर क्वेश्चन, कौन यौगिक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो देखो वैसे तो ये क्वेश्चन हमको थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि इनमें से सभी होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा अल्कीन ही करता है, ठीक। आइए 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? तो प्रतिवर्ती यानी रिफ्लेक्स एक्शन ऑप्शन होगा। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है? तो एक्टोडर्म, ठीक, एक्टोडर्म के माध्यम से तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति जो है प्राथमिक ऊतक की होती है। 35 नंबर क्वेश्चन, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो खाली स्थान को बोलते हैं साइनेप्स। ओके, नर्वस सिस्टम से ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन हरदम आते हैं, जो जो तरीका से प्रश्न पूछा गया है उसी आधार पे आपको तैयारी करना है। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन नहीं किया है तो बहुत गलत कर रहे हैं। बाकी अगर कमेंट में जिस भी चीज़ का समस्या हो बताइएगा, जहाँ तक संभव होगा सपोर्ट करेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन, जैविक क्रिया के बीच समुचित समायोजन हेतु तंत्रों का एक साझा कार्य करना कहलाता है? तो नियंत्रण एवं समन्वय। आइए परिभाषा ऐसी थे, कौन पदार्थ पादप हार्मोन नहीं है यानी प्लांट हार्मोन नहीं है? देखो एसिटिल एथिलीन है, ऑक्सिन है, साइटोकैनिन, तीनों प्लांट हार्मोन है, लेकिन ऑक्सीटॉक्सिन ये कौन सा है? मानव से संबंधित हार्मोन है। आइए ग्वाइटर रोग पनपता है, तो ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होता है, जिसका अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा वीडियो वो अपना क्वालिटी थोड़ा बढ़ा ले। आइए इंसुलिन का स्राव करता है, तो अग्नाशय यानी पेनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन का स्राव किया जाता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है यानी द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड जाइगोट, ठीक है, दोनों मिलता है तो जो फॉर्मेशन होता है वो जाइगोट होता है। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो पराग कोष बोलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है, तो क्या बनाती है? फल बनाती है, याद रखना।
43 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो तीनों है। पुष्प का कौन सा भाग पराग कण बनता है, तो पुंकेसर बनता है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक पुंकेसर। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है किसको, भ्रूण को। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अलैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, लैंगिक से उसका कोई मतलब नहीं है यानी सेक्सुअल नहीं है, तो कौन है, टाइफाइड। ये कैसे होता है, तो ये बैक्टीरिया के माध्यम से होता है, ठीक। कौन, ये हमको जिंदगी में इतना हमको मतलब इसके बारे में नॉलेज हो गया है, ये 6 बार हमको हुआ है, अब अंदाज़ा लगा लोगे कितना नॉलेज होगा इसके बारे में हमको। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है, तो ये क्वेश्चन कल शाम में भी मैंने कराया था, वो है चिंपैंजी। निम्न में किस जीव में बहुविखंडन होता है यानी बाइनरी फ्यूजन, तो अमीबा, हाइड्रा, मलेरिया परजीवी, यीस्ट। ये आप लोगों के लिए होमवर्क एक हम छोड़ दिए हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो लगभग सब क्वेश्चन हो गया, और अगर आप लोग आगे का पेज देखना चाहते हैं तो ये है, देखिए समूह अ, ठीक 30 से 50 शब्दों में आपको 6 में से किसी 4 का ही जवाब देना है, ठीक आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद समूह ब, इसमें भी आपको 4 ही देना है, इसमें भी वही हाल है, ठीक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दीर्घ में देख लीजिए, अथवा अथवा करके दिया है, ठीक। मानव नेत्र का निम्नांकित चित्र एकदम हरदम पूछता है, साबुन और अपमार्जक में 5 अंतर लिखिए, यानी साबुन यानी सोप और डिटर्जेंट में 5 अंतर। उसके बाद बायोलॉजी से जो है, पुष्प पौधे का लैंगिक जनन किस प्रकार होता है, या मस्तिष्क में स्वच्छ मस्तिष्क स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, यानी दिमाग जो है उसका चित्र बनाइए अच्छे से। तो ये हम टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे क्लास खत्म होने के तुरंत बाद, निश्चिंत रहिए। अगर नहीं भी भेजे तो यार सामने तो ही है हर चीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो समस्या हो आप बताइएगा कमेंट में, ज़्यादा से ज़्यादा हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। और ऑब्जेक्टिव जो भी अपलोड है देख लिया करो, तुम ही लोगों के लिए अपलोड है। साथ ही जो लड़के पहली बार चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त में हमारे इस चैनल पर हो रही है। साथ ही टेलीग्राम और फेसबुक वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, सारी सूचना यहीं पे आपको दी जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।